स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए गोपाल कृष्ण गांधी के भांजे श्री कृष्ण कुलकर्णी ने अपने मामा को खत लिखकर गांधी की उम्मीदवारी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण की उम्मीदवारी पर कृष्ण ने लिखा है कि महात्मा गांधी के घोर आलोचक भी इस बात से मना नहीं करेंगे कि गांधी जी ने जन के कारण मिलने वाले अधिकारों का विरोध किया था। कांग्रेस पर हमला करते हुए कृष्ण ने अपने खत में लिखा है, नेहरू गांधी परिवार ने वंशवाद को फिर से स्थापित कर दिया। कांग्रेस की अध्यक्ष पिछले 18 सालों से इस पद पर हैं और अब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बेटा इस पद की कमान संभालने के लिए तैयार है। इतने सब के बावजूद आप उनके उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। वंशवाद से घिरे होकर आपके नामांकन पत्र भरने की तस्वीरों को देख मुझे बेचैनी हो गई थी। तो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए गोपाल कृष्ण गांधी के भांजे श्री कृष्ण कुलकर्णी ने अपने मामा को खत लिखकर गांधी की उम्मीदवारों को लेकर यहां पर अपना विरोध जताया है। यहां पर खत लिखा है कृष्ण ने अपने मामा को और खत लिखकर बहुत सारी बातें यहां पर कृष्ण ने लिखी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राहुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार इस खत में क्या कुछ लिखा गया है। देखिए ऋषु, जिस तरह से गोपाल कृष्ण गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से और उसके ठीक बाद अब जो है आज गोपाल कृष्ण गांधी के जो भांजे हैं श्री कृष्ण कुलकर्णी, उन्होंने खत लिखा है और उस खत में उन्होंने साफ लिखा है कि जिस तरह से 18 साल तक सोनिया गांधी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन के कांग्रेस पार्टी की बनी रही और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होगा कांग्रेस पार्टी का वो भी निर्धारित है, वो राहुल गांधी होंगे और उन्हीं के नाम पे मुहर लगेगी। तो ये एक परिवारवाद की जो स्थिति है जो कांग्रेस में लगातार चले आ रही है, इस बात का उन्होंने विरोध किया है कि अगर गांधी होते तो कभी भी वो परिवारवाद का साथ नहीं देते। उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा है अपने खत में कि गांधी जी ने कभी भी जन्म से मिलने वाली किसी भी सुविधा का उन्होंने नहीं अपनाया, किसी भी ऐसी सुविधा का, और उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि कोई भी सुविधा जन्म से ही मिलनी चाहिए। और इसी बात को लिखते हुए उन्होंने कहा है कि आप उसी गांधी परिवार से आते हैं जिस आप जो पद अपनाना चाह रहे हैं, जिस पद पे आप बैठना चाह रहे हैं, वो आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है और गांधी जी खुद होते तो ये बात को कभी कबूल नहीं कर पाते, इस बात का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है। इसके साथ उन्होंने एक और मुद्दा जोड़ा है जो इस खत में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लगातार जो विपक्षी दलों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो घोटाले किए थे, इन घोटालों के खिलाफ आपने आज तक कोई भी एक भी आवाज नहीं उठाई है। हालांकि आप ये बोलने से नहीं चुके कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो इस बात का भी उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि आपको आवाज उठानी चाहिए थी। जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं कांग्रेस के समय में, उस बात का आपने भ्रष्टाचार को लेकर क्यों आवाज नहीं उठाया, इस बात को भी उन्होंने इस खत में लिखा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कृष्ण ने अपने मामा की उम्मीदवारी को लेकर ही यहां पर निशाना साध दिया है, राहुल, तो अभी कोई प्रतिक्रिया यहां पर आई है गोपाल कृष्ण की तरफ से? खत का जवाब उन्होंने दिया? राहुल, चलिए शायद आवाज हमारी राहुल तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की कोशिश हमारे सहयोगी राहुल से करेंगे। तो पूरा मामला आपको एक बार फिर से बता देते हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए गोपाल कृष्ण गांधी के भांजे श्री कृष्ण कुलकर्णी ने अपने मामा को खत लिखकर गांधी की उम्मीदवारी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पर राजनेताओं ने क्या कुछ कहा है। अब परिवार के अंदर की झगड़ा होगी, हम क्यों उसमें पड़े। जहां तक काबिलियत का सवाल है, हमें कोई गोपाल गांधी का कुछ विरोध कर नहीं सकते, लेकिन ये काबिलियत की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का सवाल है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने से उन्होंने अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको घिराया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और देखिए, इस तरह का फतवा इशू करना डेमोक्रेसी में सही नहीं है। किसी को भी जय श्री राम के स्लोगन से आपत्ति क्यों हो सकती है? आपको पता है कि भारत के गांव-गांव में लोग
इसी से ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, आप नमस्ते बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, उसी तरह जैसे राम बोलते हैं लोग, जय राम जी की बोलते हैं लोग। ये तो भारत के गांव की रियलिटी है, इस पर फतवा इशू करना सही नहीं है, ये पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट करता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी। और एक बार फिर रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी राहुल है। राहुल, तमाम जो प्रतिक्रियां हैं वो भी यहां पर आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से खत यहां पर कृष्ण ने अपने मामा गोपाल कृष्ण को लिखा है, क्या उन्होंने खत का जवाब अभी तक दिया? देखिए, जिस तरह से इन्होंने खत लिखा, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर गोपाल कृष्ण गांधी की तरफ से जवाब तो नहीं आया है, मगर जो विपक्षी दल है बीजेपी की तरफ से खास करके ये सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, जो कृष्ण गांधी कुलकर्णी ने उठाया है कि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर इस खत में ये भी लिखा है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते रहे, और खास करके अभी उन्होंने अभी का मसला उठाया है कि जिस तरह से बोफोर्स को लेकर कांग्रेस पार्टी घिर रही है, राजीव गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उस समय जांच नहीं होने दिए, तो इन सब चीज को लेकर गोपाल कृष्ण गांधी चुप क्यों हैं? क्या वो ये मानते हैं कि ये वेंडेटा की राजनीति है जो लगातार कांग्रेस पार्टी या फिर जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल है वो बीजेपी पे लगा रहे आरोप लगा रहे हैं? तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है, और एक कैंपेन जो बीच में चला था रेशु, अगर आपको याद हो कि नॉट इन माई नेम एक कैंपेन चलाया गया था लिंचिंग के खिलाफ, ये जो हत्याएं की जा रही है उनके खिलाफ, उसी तरह का उन्होंने भी एक कैंपेन के तहत उन्होंने लिखा है नॉट इन गांधी जीज नेम, यानी गांधी जी के नाम पर ये परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस चीज को गांधी जी खुद भी बर्दाश्त नहीं करते, वो इन्होंने साफ लिखा है यहाँ पे। हालांकि ये जो खत है उसको अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं हमेशा आपका भला चाहूंगा और मैं आपको गुड लक विश करता हूँ, एक तरह से उन्होंने गुड लक भी विश किया है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप उम्मीदवार बने हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि एक परिवारवाद है, इसके लिए फिर भी मैं अपनी तरफ से गुड लक विश करता हूँ, मगर गांधी जी ये कतई बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल, और जो खत है वो हमारे पास भी यहाँ पर है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि आपका ये निर्णय मेरे अंदर विश्वास नहीं जगाता बल्कि ये विश्वासघात है। और जिस तरीके से ये खत है वो अब यहां पर वायरल हो चुका है राहुल, तो कह सकते हैं कि बैठे बैठाए जो बाकी पार्टियां हैं उनको एक मुद्दा यहां पर मिल गया है। बिल्कुल रेशु, जिस तरह से सिर्फ अगर इसी खत की बात हम ना करें, 2014 कुछ साल पहले, 3 साल पहले अगर चले जाएं, तो राहुल गांधी ने आरएसएस पे आरोप लगाया था कि आरएसएस के कहने पर नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था, मगर उस समय भी इन्होंने विरोध किया था राहुल गांधी का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इनके दादा हैं उन्होंने विरोध किया था कि किसी भी कीमत पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी कभी भी किसी को फांसी की सजा देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी तरफ से चाहती थी कि नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा हो, और जो उन्हें दी भी गई इसका भी उन्होंने विरोध किया था। और उन्होंने ये भी लिखा था कि जब इनके दादा यानी गांधी जी के पुत्र जब अपने उम्र की आखिरी पीढ़ी में थे, आखिरी समय में थे, तो उस समय नाथुराम गोडसे के परिवार वाले आके उनसे मिल रहे थे, ना कि कांग्रेस पार्टी से कोई आ रहा था मिलने के लिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर हम देखें तो उन्होंने ये जरूर साफ किया है कि आपने सिर्फ गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मगर गांधी जी के रास्ते पर आप नहीं चल पाए, जो गांधी जी चाहते थे वो आप नहीं कर पाए। ये एक बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के लिए है और खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उन्होंने किया है। बिल्कुल राहुल, ऐसे में कह सकते हैं कि सिर्फ ये जो नाराजगी खत के जरिए बयां की गई है कृष्ण की तरफ से, वो न केवल गोपाल कृष्ण बाकी कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं उनके लिए भी भारी यहां पर पड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने खत में जिस तरह से घोटालों का जिक्र यहां पर किया है। देखिए बिल्कुल रेशु, ये बात तो साफ है कि अगर हम कुछ दिन पहले चले जाएं तो जब मीरा कुमार प्रेसिडेंट शिप के लिए वो चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय एक इसी तरह का एक मैसेज भी वायरल हो रहा था, जो कि फेसबुक और ट्विटर पे खूब लोगों द्वारा पसंद भी किया जा रहा था और शेयर भी किया जा रहा था कि बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं वो प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, उसके बाद गांधी जी के जो वंशज हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और खुद जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे वो सोनिया गांधी के बेटे होंगे, राजीव गांधी के बेटे होंगे। तो ऐसे में जो परिवारवाद है उसको लेकर लोग भी एक तरह से जागरूक हो चुके हैं और वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, और ऐसे में खुद गांधी परिवार के किसी सदस्य द्वारा अगर ऐसा हमला किया जाता है तो वो विपक्ष को, खास करके बीजेपी को, एक बड़ा एसेट के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपने जो कहा कि जिन घोटालों की बात की गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम लालू प्रसाद
प्रसाद यादव की बात करें या फिर जो भी विपक्षी दल, अगर हम रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, तो उनके पर जो भी आरोप लगाए जाते हैं उसका जवाब यही होता है कि बीजेपी और आरएसएस सीबीआई पर दबाव डाल रही है ताकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यही कहा जाता है कि एक वेंडेटा की राजनीति है। और इसी पर उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आप 10 साल सरकार में थे, या 10 साल सरकार यूपीए की नहीं अगर हम ले, इससे पहले की भी जो सरकार है कांग्रेस की, जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय जो घोटाला हुआ, जब अब ये सब घोटाले निकल रहे हैं, तो इस पर कोई भी खास करके गोपाल कृष्ण गांधी क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? क्या वो भी यही मानते हैं कि ये वेंडेटा की राजनीति? हालांकि उन्होंने कहा भी कि ये वेंडेटा की राजनीति है, तो इस पर उनका सवाल है, जो कि ये कहता है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो गांधी जी यही चाहते कि उसकी जांच हो, और वो खुद निकलकर सामने आए कि इसकी जांच पूरी कराई जाए और जब वो क्लीन चिट मिल जाए तब वो सक्रिय राजनीति में वापस आए। बिल्कुल, और सभी की निगाहें इस वक्त जो ये खत है जो कृष की तरफ से अपने मामा को लिखा गया है उस पर टिकी हुई है, और इस बात पर भी नजरें टिकी हुई है कि अब गोपाल कृष्ण इस खत का क्या कुछ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल, और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।